क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल क्या है आपका, डाई, ये गलती से मैंने कॉइन लिखा हुआ लिख दिया था, डाई है, तो डाई को आपने 3 बार फेंका, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वन, कितनी बार वो इवेंट हुआ, 3, आपने डाई को 3 बार फेंका तो एन हो गया आपका 3, फिर क्या कहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वन। अब जब आप डाई को थ्रो करते हो तो एक थ्रो में मैंने क्या कहा था, पी जो आपको फाइंड करना है, क्यू हो गया जो आपको फाइंड नहीं करना, 3 बार आपने फेंका, अगर एक बार आप डाई को फेंकोगे तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कहने से 3/6 तो ये हो गया 1/6, और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6, ये भी कितना हो गया आपका 1/2। क्वेश्चन में क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट वंस का मतलब ये हुआ आपका कि एक बार और, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम से मैक्सिमम तक, 3 ट्रायल में एक बार और आने, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, एटलीस्ट का मतलब यही होता है कि मिनिमम कम से कम एक बार और आना चाहिए, या 2 बार, या मैक्सिमम 3ों बार ऑड नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। या मैं वर्ड यूज करो, या का मतलब बीच में क्या आएगा आपका प्लस, या का मतलब बीच में क्या आएगा आपका प्लस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑड नंबर, 2 ऑड नंबर, या हो सकता है 3 आते, तो जब मैं कह रहा हूँ 1, तो सक्सेस मेरा कितना है, तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी होगी, 1, जब मैं कह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑड नंबर, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 2, जब मैं कह रहा हूँ 3, तो आर की वैल्यू क्या होगी आपकी, 3। तो फॉर्मूला क्या था, माय बर्नौली सेल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू एन सी आर पी रेस टू पावर आर एंड क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर। जब आप इसको अप्लाई करोगे तो टोटल एन की वैल्यू तो आपकी कितनी है, 3, तो इस केस में आपकी जो सक्सेस है वो 1 है, तो जो टी है आपका 1/2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1, और क्यू क्या होता है, एन माइनस आर, तो ये हो जाएगा आपका 2, देन प्लस इस केस में सक्सेस रेट कितना आपका, 2, तो टी सी 2, तो टी रेस टू पावर 2 एंड क्यू रेस टू पावर 1, इस रेट इस केस में सक्सेस रेट कितना आपका, 3, 3 में से 3, 1/2 रेस टू पावर 3 और 1/2 रेस टू पावर 0, बस यही हमने किया। Can see that? जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 और 1/2 रेस टू पावर 3 माइनस 1 क्या होगा, 2, 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो 1/4 आएगा, प्लस 3, 3c2। अब एनसीआर आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, 3c1, ये तो हमें पता, 3c1 की वैल्यू क्या होगी, 3, और 3 माइनस 1 क्या होता है, 2, तो 3c2 की वैल्यू भी 3 ही होगी, सेम हो तो वैल्यू कितनी होती है, 1। जैसे अगर मुझे निकालना एन सी एन, ये भी एन है ये भी एन, दोनों सेम वैल्यू है तो इसकी जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू 1, तो ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। अदरवाइज ये फॉर्मूला आपको बता दिया, फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकालो, ये भी आप ध्यान रखना कि 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के इक्वल, तो 3c2 क्या होता है, 3, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3 माइनस 2 1, तो ये हो गया 1/2, 3c3 क्या होता है, 1, 1/2 का क्यूब क्या होगा, 1/8, और 3 माइनस 3 0, तो 1/2 रेस टू पावर 0 क्या होगा, 1 आपका। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 3 4 2 8, 1/8, 7/8, तो इस तरह से बर्नौली का जो होता है अप्लाई करते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि 2 केसेज होने की 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो फाइंड करना मेजोरिटी में आप उसको टी ले सकते हो कि 1 ट्रायल में उस चीज़ के सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, और 1 ट्रायल के फेलियर क्या होगा, क्यू, टोटल नंबर जो वो ट्राई टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना हुआ वो एन हो गया, और उसको कितनी सक्सेस आपको फाइंड करनी है टोटेलिटी में, दैट इज ऑल। ओके, अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपका, तो द क्वेश्चन इज, सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड, तो 90% ऑफ पीपल तो राइट हैंडेड है, ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट एट मोस्ट, अगर आप 10 पीपल का ग्रुप सेलेक्ट करते हो तो ज्यादा से ज्यादा उसमें 6 लोग राइट हैंडेड होंगे, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा उसमें 6 लोग क्या होंगे, राइट हैंडेड होंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बर्नौली इक्वेशन में 2 केसेस हैं, या तो राइट हैंडेड होगा या नहीं होगा,
और टोटल नंबर ऑफ पीपल जो सिलेक्ट हुआ है वो कितने हुए हैं, वो 9, वो 10 है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, राइट हैंडेड पीपल, तो ये हमारा हो गया पी, ठीक है। राइट हैंडेड पीपल होने का जो सक्सेस रेट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो 90% है, तो 9/10। ये आपको पता किसी भी इवेंट का होना और ना होना तो 1 के इक्वल होता है, तो राइट हैंडेड है तो 9/10 है, तो फेलियर का क्या होगा, 1 में से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/10। क्वेश्चन में क्या कहा है, एटमोस्ट 6 राइट हैंडेड होने चाहिए। अब एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट का मतलब क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं या 4 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं या 2 हो सकते हैं, 1 या 0। एटमोस्ट से हम स्टार्ट करते हैं 0 तक, और एटलीस्ट से हम मैक्सिमम वैल्यू तक जाते हैं। एटमोस्ट मैक्सिमम वैल्यू होती है, इससे हम 0 तक जाते हैं। या तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, सारी वैल्यू पुट करके इनको प्लस कर दो, या दूसरा तरीका क्या है, टोटल जो इवेंट होते हैं वो 1 है, टोटल प्रोबेबिलिटी सभी इवेंट की मिला के वो 1 होती है। तो 1 में से 10 में से 7 पीपल राइट हैंडेड हो या 8 हो या 9 हो या 10 हो, इनको माइनस कर दो, तो बाकी जो बचेंगे वो कौन से केस बचेंगे कि एटमोस्ट 6 राइट हैंडेड हो, तो 7, 8, 9, 10 वाले केस कि 10 में से 7 लोग राइट हैंडेड हो उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, 10 में से 8 पीपल राइट हैंडेड है वो माइनस कर दो, 9 राइट हैंडेड है वो माइनस कर दो, 10 राइट हैंडेड है वो माइनस कर दो, बाकी जो केसेस बचेंगे फिर वो यही तो बचे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये ज्यादा ही चाहिए, तो आपको ये अप्लाई करना है। ओके, तो 1 by 1 अगर की वैल्यू अप्लाई करते हैं, तो 1 में से 7 लोग राइट हैंडेड हो, कितने में से, 10 में से, तो ये हो गया एन, ये हो गया आर, तो राइट हैंडेड की जो सक्सेस है आपकी वो कितनी है, 7, तो पी की वैल्यू, पी की पावर क्या होगी, 7, फेलियर कितना हो गया, 3, यहाँ पर 8 पीपल राइट हैंडेड हो तो पी रेस टू पावर 8, क्यू रेस टू पावर 2, यहाँ पे 9 पीपल राइट हैंडेड है तो पी रेस टू पावर 9, क्यू रेस टू पावर 1, 10 पीपल राइट हैंडेड है तो पी रेस टू पावर 10, तो क्यू रेस टू पावर क्या होता है, 0। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करोगे, देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो सभी के बीच में माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, इस माइनस की जगह भी क्या आ जाएगा, प्लस, और इस माइनस की जगह भी क्या आ जाएगा हमारा, ओके। इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आप इसको, अगर हम इसको इसकी प्रेजेंटेशन कैसे शो करेंगे, हमें राइट इट एज 1 - R = 7 to 10, 7 से लेके 10 तक के जो भी केसेस है इसका मतलब क्या था, उन सभी का सम, और सम जो है उसकी वैल्यू क्या है, 10 CR, ये तो 10 ही रहेगा, CR 9/10 रेस टू पावर आर एन माइनस आर। अब अगर आप 7 रखोगे तो ये वाला केस बन जाएगा, 7 to 10, 8 रखोगे तो ये वाला केस बन जाएगा इसी वैल्यू में, 9 रखोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 10, यानी कि सभी वैल्यूज को आपने एक वैल्यू में समअप कर दिया, ये 7 से लेके 10 तक जो भी वैल्यूज हैं, 1 से जब मैं उनको माइनस कर दूंगा दैट विल बी अवर आउट, तो सॉल्व नहीं करना है। ओके, इसी तरह से लिखिए आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, 2020 और 21 का ये जो आपका सेशन है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड द क्वेश्चन इज अ डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 360 आर ऑप्शन, क्या कहा, एक डाई को आप बार बार फेंक रहे हो और तब तक आपको फेंकना है कि जब तक 36 नहीं आ सकते, टोटल 3-6 नहीं आ जाते, ठीक है। जैसे मैंने एक बार फेंका 6 आ गया, दो बार फेंका 6 आ गया, और जब तक तीसरा 6 नहीं आ जाता, तीसरी बार 6 नहीं आ जाता, तब तक आप उसको थ्रो करते रहो। फिर क्या कहा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3rd 6 इन द 6th थ्रो ऑफ द डाई, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो 3rd 6 है वो आपका 6th थ्रो पर ही आएगा। अब वैसे तो मैंने आपको कहा था कि जब डाइस का केस होता है तो इंडिपेंडेंट वाला केस होता है, पर उसमें स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि इसमें कोई पोजिशन मैंशन नहीं होती, यहाँ पर एक पोजिशन मैंशन है कि तो 3rd 6 है आपका, वो 6th थ्रो में ही आना चाहिए, तो ये इंडिपेंडेंट वाला केस तो यहाँ पे बनेगा नहीं आपका। जैसे कि देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो 6th थ्रो है उसमें आपका 3rd 6 आना चाहिए, इट मीन 1, 2, 3, 4, 5, फर्स्ट 5 थ्रो में आपके 2 6 आने चाहिए और 6th थ्रो में आपका 3rd 6 आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये आपको पता है। तो यहाँ भी हम बर्नौली स्ट्राइक कराएंगे कि एन आपका जितना हो गया 5, जरा क्वेश्चन को देखो, एन 5 कैसे है आपका
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड सिक्स इन द सिक्स थ्रो ऑफ द डाइस. सिक्स थ्रो में आपका वो तो फिक्स है, देखो सिक्स थ्रो में तो आपको थर्ड सिक्स आना चाहिए. क्वेश्चन में क्या क्या आ गया कि सिक्स थ्रो में आपका थर्ड सिक्स आना चाहिए आपका. तो हमें ये देखना कि फर्स्ट फाइव थ्रो में आपके दो सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. पहले तो हमें ये करना है, फिर हम दोनों केसेस को कंबाइन कर देंगे. व्हाट आई मीन टू से दैट फर्स्ट फाइव थ्रो में वन टू थ्री फोर फाइव, फर्स्ट फाइव थ्रो में दो सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो हमें फाइंड क्या करना है, गेटिंग सिक्स. तो पी मेरा क्या हो गया, अब एक थ्रो में सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है. मैंने कहा था सिक्स इन वन ट्रायल, सक्सेस इन वन ट्रायल जो होता है आपका वो पी होता है. तो एक थ्रो में सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन बाय सिक्स. तो फेलियर क्या हो गया, सिक्स ना आने की प्रोबेबिलिटी. एक थ्रो में सिक्स ना आने की, डाइस में सिक्स नंबर होते हैं, सिक्स नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर आ सकता है ना. तो सिक्स ना आने की प्रोबेबिलिटी इन अ सिंगल ट्रायल, दैट इज फाइव बाय सिक्स. ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सिक्स इन फर्स्ट फाइव थ्रो. फर्स्ट फाइव थ्रो में दो सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. नाउ टोटल है आपका फाइव, इसमें सक्सेस कितनी बार आपको मिलनी चाहिए, दो बार. तो पी हो गया वन बाय सिक्स रेस टू पावर टू, दैट इज आर. और क्यू हो गया फाइव बाय सिक्स रेस टू पावर एन माइनस आर, दैट इज थ्री. ये आपका ये पूरा केस बन जाएगा. When we solve it, what we will have? Probability of getting third six in the sixth row. अब देखो, first five throw में दो six आने की probability आ गई है. अब sixth throw में एक six आने की probability क्या होगी? One by six. अब यहाँ पे choice नहीं है. First five throw में दो six आने चाहिए. ये वो case हो गया. और sixth throw में आपका इसमें six आना चाहिए. Sixth throw में आपका six आना चाहिए. That is one by six. ये टोटल आपका मल्टीप्लाई होगा, इसमें ऑप्शन नहीं है. हमने इसको केस को डिवाइड करके किया. कैसे, फर्स्ट फाइव थ्रो में दो सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी ये हमने फाइंड की, दैट दैट मींस और सिक्स थ्रो में भी सिक्स आना चाहिए. अब एक थ्रो में सिक्स आने की, सिक्स थ्रो में तो सिक्स आना ही चाहिए, यानी कि सिंगल थ्रो में सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है वन बाय सिक्स. एंड वाला कैसा, तो मल्टीप्लाई करते, चॉइस नहीं है. तो फर्स्ट फाइव थ्रो में टू सिक्स और सिक्स थ्रो में आपका सिक्स, ये हो गया आपके थ्री सिक्स इन सिक्स थ्रो. ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एनसीआर का क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर. फाइव माइनस टू कितना हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल. इसको ओपन अप करोगे, फाइव फोर थ्री फैक्टोरियल, ये हो गया टू इंटू थ्री फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, टू टू जा फोर. तो फाइव सी टू की वैल्यू क्या होगी आपकी, टेन. वन बाय सिक्स, वन बाय सिक्स टोटल कितना हो गया, वन बाय सिक्स रेस टू पावर थ्री, फाइव बाय सिक्स रेस टू पावर थ्री. ओके, नाउ फाइव रेस टू पावर थ्री 125, वन रेस टू पावर थ्री 110 इंटू वन हो गया 10, सिक्स रेस टू पावर थ्री एंड सिक्स रेस टू पावर थ्री, सिक्स रेस टू पावर थ्री होता है 216, सिक्स रेस टू पावर थ्री 216. जब इसको डिवाइड करोगे तो 2 5 10, 2 1 2 0 2 8 6 16. चीज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या आपको ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 5 फर्स्ट फाइव थ्रो में टू सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की, सिक्स थ्रो में तो सिक्स आना ही चाहिए, यानी कि सिंगल थ्रो में आपका सिक्स आना चाहिए, तो क्लियर था कि 1/6 है. इसको हमने फाइंड किया बर्नौली स्टाइल से, ये और ये इनटू करके ये हमारा आ गया कि टोटल सिक्स थ्रो में थ्री सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, विद कंडीशन कि जो थर्ड सिक्स है आपका वो सिक्स थ्रो में आना चाहिए. दिस विल बी द प्रोग्राम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन आई थिंक 9th क्लास से, नाइन क्लास से आप लोग देख रहे हो, और ये आई थिंक बोर्ड में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी जाता है, राइट. अगर आपकी बुक का पार्ट है तो बोर्ड में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. वैसे सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, लेकिन मैं एक बात जनरल से बात कर रहा हूँ. ये क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है, क्या कहा, इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर आप लीप ईयर को सिलेक्ट करते हो
व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे, या तो जनरली ट्यूसडे हो जाता है या कुछ संडे, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे और 53 संडे। मैं लीप ईयर विदाउट लीप ईयर दोनों केसेस आपको करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ डेज इन ऑर्डिनरी ईयर, पहले मैं ऑर्डिनरी ईयर का केस बता रहा हूँ, 365 डेज होते हैं। अगर लीप ईयर होता तो 366। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, तो 7 से मैंने इसको डिवाइड किया, 7 by 35, 15, 7 to 14, ये आपका वन डे। अब 52 वीक्स में, ये वीक्स है आपके 52 वीक्स में कोई भी डेज आपको निकालना है, चाहे संडे निकालना है, ट्यूजडे निकालना है, 52 ट्यूजडे, 52 संडे, मंडे, कुछ भी निकालोगे वो तो फिक्स है आपका। क्वेश्चन में कहा गया 53 होने के चांसेस क्या है। अब ये जो वन डे है आपका, ये जो रिमेनिंग डे है, क्या कहा, इट मीन्स एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 52 फुल वीक एंड वन एक्स्ट्रा डे। 52 तो फुल वीक होते हैं और एक एक्स्ट्रा डे होता है। अब अगर इस वन एक्स्ट्रा डे का मैं सैम्पल स्पेस बनाता हूँ, अगर इस वन एक्स्ट्रा डे का मैं सैम्पल स्पेस बनाता हूँ तो वो क्या होगा, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी हो सकता है। अब अगर मुझे ये कहा जाता है क्वेश्चन में, अगर ये कहा जाता है आपको कि 53 संडे ट्यूजडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फॉर दैट मैटर एनी डे, तो आपके फेवर में जो भी डे बोला गया वो एक ही है, चाहे वो कोई भी डे हो। अगर ट्यूजडे की बात हो रही है तो आपके फेवर में ट्यूजडे, एक ही ट्यूजडे है इन सभी में से, वो टोटल कितना, 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे या ट्यूजडे या फॉर दैट मैटर एनी डे इन एन ऑर्डिनरी ईयर, ये तो 1/7। अब लीप ईयर की बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन भी है, अगर इसी चीज को आप लीप ईयर में देखोगे तो कैसे कैसे देखेंगे हम। देखो टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितने होते हैं, 366, राइट। अब अगर मैं 366 को 7 से डिवाइड करूंगा, 366 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 by 35, 6 - 5 = 6, 7 to 14, 6 में से 4 = 2। अब यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे, इट मीन्स अ लीप ईयर हैज 52 फुल वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डे। अब इन दोनों, ये जो 2 एक्स्ट्रा डे है, अगर मैं इसका कॉम्बिनेशन बनाता हूँ, कॉम्बिनेशन का मतलब सैम्पल स्पेस बनाता हूँ, वो डेज क्या क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूजडे हो सकते हैं, ट्यूजडे वेनसडे हो सकते हैं, वेनसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, सैटरडे संडे हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो संडे देखो कितनी बार आ रहा है, 1, तो किस कॉम्बिनेशन में संडे आ रहा है आपका और एक इस कॉम्बिनेशन में। या अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 53 ट्यूजडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ट्यूजडे किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है और एक इस कॉम्बिनेशन में। तो लीप ईयर के केस में 2/7 होगी प्रोबेबिलिटी 53 ट्यूजडे संडे या कोई भी डे होने की, और ऑर्डिनरी ईयर के केस में 1/7। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्राइज एज ऑफन एज इट फेल, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट के सक्सीड होने के चांसेस उसके फेल होने से ज्यादा, यानी कि अगर फेल होने के चांसेस एक्स हैं तो सक्सीड होने के चांसेस क्या होगा, ट्राइज है, यानी कि एक्सपेरिमेंट किसी भी एक्सपेरिमेंट के, यानी कि जो पी है आपका, अगर मैं क्यू कहता हूँ आपका एक्स है, मैंने आपको कहा था जरूरी नहीं है, मैंने आपको ये भी कहा था कि पी और क्यू आप किसी को भी ले सकते हो, यानी कि अगर आप पी एक्स लेते हो तो क्यू आपका 2x हो जाएगा, पी अगर आप क्यू अगर आप एक्स लेते हो तो पी आपका 2x हो, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्राइज, एन आपका कितना हो गया 6, एन की वैल्यू क्या आ गई, देर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस, एटलीस्ट का मतलब आर आपका 4, आर आपका 5, आर आपका 6, ये आपका क्वेश्चन, यही पर नॉलेज स्टाइल से होगा आपका क्वेश्चन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ओके। मैंने आपको जो मैंने आपको बात बोली थी कि सक्सेस और फेलियर आप ये किसी को भी ले सकते हो, वो मैं आप यहाँ पे प्रूव कर रहा हूँ, या मैं फेलियर को पी ले रहा हूँ, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बी एक्स, ये हो गया हमारा पी। तो फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपकी एक्स है, पी है, तो आपका जो सक्सेस है उसको मैंने क्यू ले लिया, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर फेलियर का जो रेट है सक्सेस का रेट उससे ट्वाइस है, तो अगर ये एक्स है तो ये आपका 2x है, ओके। अब सक्सेस और फेलियर की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी, 3x कितना हो गया आपका 1,
तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। इट मीन्स फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अभी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 - 1/3 दैट इज 2/3, अदरवाइज आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो भी 2x की वैल्यू 2/3 ही है। तुम्हारे पास पी भी आ जाए, क्यू भी आ, ओके। तो लेट पी इक्वल टू 1/3, क्यू इक्वल टू 2/3। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना, 6। क्या कहा, एटलीस्ट 4 सक्सेस। एटलीस्ट का मतलब मैंने क्या कहा था कि मैक्सिमम तक जाना होता है, तो मिनिमम आपका 4 या 5 या मैक्सिमम कितना होगा, 6। यहाँ पे जो सक्सेस है आपका वो क्यू है, 2^4। तो पी रेस टू पावर क्या होगा, n-r, दैट इज यहाँ सक्सेस आपका 5 है, तो क्यू रेस टू पावर 5, क्योंकि सक्सेस को हमने क्यू लिया। तो पी रेस टू पावर क्या होगा, n-r, 6-5 कितना होगा, 1। इस केस में सक्सेस आपका कितना है, क्यू रेस टू पावर 6, तो 6-6 क्या होगा, 0। वो आप लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि एनीथिंग रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास, ओके। अब 64 की जो आपकी वैल्यू होती है वो आपकी 15 होती है। फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, n-r टू फैक्टोरियल, ये हो गया 6, 5, 4 फैक्टोरियल, कौन सा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 × 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 3 = 6, ये आ गया आपका 15। 6c5 और 6c5, 6-1 5 होता है ना, तो दोनों की सेम वैल्यू होती है। अगर बेस में 1 हो तो जो उसकी वैल्यू होती है वही अपर वैल्यू होती है, n। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ nc1, इट विल बी इक्वल टू n, और n कुछ भी हो सकता है, जैसे 3c1 क्या होगा आपका, 3, तो 3-1 क्या होता है, 2, तो 3c2 भी आपका क्या होगा, 3। अभी 6c1 क्या होगा आपका, 6, क्योंकि बेस में 1 है, तो 6-1 5, तो 6c5 भी आपका 1 ही होगा, सॉरी मैंने कहा 6c1, n के इक्वल होता, तो अगर 6c1 आपका 6 होता है तो 6-1 कितना होता है, 5, तो 6c5 भी कितना होगा, 6। अगर मैं कहता हूँ 3c1 3 होता है, तो 3-1 2, तो 3c2 भी आपका 3 होगा। अगर हम कहते हैं 4c1, ये 4 होता है, तो 4-1 3, तो 4c3 भी आपका 4 ही है। तो 6c5 अगर आपको नहीं पता, तो बेस में अगर 1 हो तो ये अपर वैल्यू ही उसके इक्वल होता है, 6c1, क्योंकि मुझे पता 6-5 1 होता है, तो 6c1 अगर 6 होता है तो 6c5, अदरवाइज फॉर्मूला आपको पता ही कैसे कंप्लीट करता है, सेम वैल्यू पर वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये 1 होता है, ओके। जो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आपकी वैल्यूएशंस आगे जब इसको जब आगे आप सॉल्व करो तो देखो 2^4, 3^6, हम सभी से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी 5 है तो 4 तो यहाँ से भी कॉमन ले सकता हूँ, 3^6, 4 यहाँ से भी कॉमन आ गया, 2^4 / 3^6 आपने कॉमन ले लिया, ये तो हो गया 15। यहाँ से आपका एक तो 2 और 6, 6 को कितना हो गया, 12, और 2^2 दैट इज 4, तो ये हो गया आपका 12 + 4 = 16, 16 + 15 हो गया 31, 2^4 / 3^6, जो आपको सॉल्व करोगे बट यू विल हैव 31/2^4 है, ये 3^6 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3^2 × 3^4, तो सेम पावर को आपने एक साथ लिखा, यू नो दैट a^m / b^m को कैसे लिखते हैं, a/b^m, 4/4, तो 2/3^4, 3^2 आपका 9 हो गया और ये हो गया 31, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। क्या कहा कि एक आदमी को कितनी बार कॉइन को टॉस करना चाहिए सो दैट उसके हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% से ज्यादा हो, 90% से क्या हो, ज्यादा हो, ओके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको। सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90% होनी चाहिए, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा हो, यही आपको फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, किसी भी इवेंट का होना और ना होना उसका टोटल कितना होता है, 1,
तो वन में से अगर मैं जीरो हेड वाले केसेस को माइनस कर देता हूँ तो सारे के सारे केसेस जो बचेंगे वो यही होंगे कि कम से कम उन सभी केसेस में वन हेड होगा। तो जीरो हेड वाला केस अगर मैं माइनस कर देता हूँ, अब कितनी बार उसको कॉइन को टॉसअप करना चाहिए कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा हो, हाउ मेनी टाइम्स, वो आपको फाइंड करना। इसमें से यहाँ आपको एन की वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की। जो आपको फाइंड करना वो क्या है, वन हेड। एक ट्रायल में वन हेड आने की जो वैल्यू होती है वो आपकी बन पैसे, एक ट्रायल में, यानी कि एक बार अगर आप टॉसअप करते हो तो वन हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो आपकी 1/2 होती है, वो कितनी होती है, 1/2। ओके, ये आपका पी हो गया, तो क्यू क्या हो जाएगा, 1 - p, दैट इज 1/2, दैट इज 10। नाउ अब जो आपको फाइंड करना है उसके लिए हमने लॉजिक लगाया कि अगर वन में से जीरो हेड आने वाली प्रोबेबिलिटी अगर आप माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, एटलीस्ट वन हेड आएगी। और ये जो 90%, 90% मीन्स 9/10 से इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। अगर आप देखो यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू, हमने क्या कहा कि वन में से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड माइनस कर देता हूँ तो ये आपको ग्रेटर देन 9/10 होना चाहिए। तो एन की वैल्यू क्या होगी, इस कंडीशन को देख के आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है, इस कंडीशन को माइंड में रखिए। तो जीरो हेड का मतलब सक्सेस आर आपका जीरो होगा, तो पी रेस टू पावर क्या हो जाएगा, जीरो, क्यू रेस टू पावर एन माइनस आर, एन माइनस जीरो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू सॉरी ये ग्रेटर देन 9/10, बेस में जीरो हो, जैसे एन सी जीरो, फोर सी जीरो, वन होता है, ये क्या होता है आपका वन, तो ये तो आपका वन हो गया। एनीथिंग रेस टू पावर जीरो, ये भी वन, वन रेस टू पावर वन, वन, टू रेस टू पावर एन, टू रेस टू पावर एन, तो वन इंटू वन इंटू वन, न्यूमरेटर में तो वन आ गया, ये हो गया टू रेस टू पावर एन। अभी माइनस वन बाय टू रेस टू पावर एन, ये प्लस वन, यहाँ के क्या हो जाएगा आपका माइनस वन। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो विल बी माइनस वन बाय टू रेस टू पावर एन, टेन एलसीएम आ जाएगा, नाइन माइनस टेन क्या हो जाएगा, माइनस वन बाय टेन। अब देखो जो माइनस थ्री है वो माइनस फोर से बड़ा है, लेकिन अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल कर दूँ तो आई विल से दैट फोर इज ग्रेटर देन थ्री। तो जैसे आप यहाँ से माइनस एलिमिनेट करोगे, इन दैट केस ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक है वो मैंने आपको यहाँ बता दी कि नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है, पॉजिटिव में वो नंबर छोटा होता है। ओके, अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, टू रेस टू पावर एन इंटू वन, तो ये इधर आ गया, तो टू रेस टू पावर एन, टेन इंटू वन, तो अब इसका कंपेरिजन देखो तो टेन लेस देन टू रेस टू पावर एन, इट मीन्स टू रेस टू पावर एन जो है आपका ग्रेटर है टेन से। अब एन की आपको ऐसी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि आपकी जो टू रेस टू पावर ये जो वैल्यू है टेन से बड़ी है, ये कम से कम फोर होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं एन की जगह थ्री पुट करता हूँ तो टू रेस टू पावर थ्री आपका एट होता है, और एट टेन से बड़ा नहीं होता। इट मीन्स ही शुड टॉस द कॉइन एटलीस्ट फोर टाइम्स, कम से कम चार बार उसका कॉइन को टॉसअप करना चाहिए, सो दैट हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 90% से ज्यादा, 90% से ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।